हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज का जो टॉपिक है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्योंकि अभी तक जो भी टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे, हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है ना बेटा वो कंप्लीट कर दिया हमने। आज का जो टॉपिक है दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्योंकि ये एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज चल रही है, तो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज के अंदर जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं जो कि आज तक एंट्रेंस के अंदर आ चुके हैं और जो इंशाल्लाह आने वाले हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी हम हाईलाइट सीरीज को लेकर जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई कि यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों अगर आप देखोगे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन के अंदर मदद करते हैं। जब आप खाना खाते हो तो जो वो खाना होता है उसको अप्रोप्रिएट डाइजेशन होनी है, ताकि जो डाइजेशन जब होती है तो हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। वो एटीपी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, तो वो उसको कौन डाइजेस्ट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स द सलाइवरी ग्लैंड, द लिवर एंड द पेनक्रियाज। तो अब हमारे पास तीन तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इसको हाईलाइट करके जाओ। सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियाज है। तो दैट मींस ये तीन जो होते हैं दीज आर एक्चुअली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम देखते हैं पहले सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो सलाइवरी ग्लैंड्स आपको तो ऑब्वियसली पता होगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा सीक्रेट करते हैं, जो कि हमारे माउथ के अंदर होते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा यहां पे बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट ऐड होने वाले हैं, बट मैं ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है ना वो एनसीईआरटी के ऊपर कर रहा हूं। एनसीईआरटी के ऊपर इसीलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि 85 क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा दैट आर आस्क्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो इसीलिए मैंने बोला जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, हमारे माउथ के अंदर तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। तो वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। अब देखो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, जो कि अभी मैंने आपको बोला कि जो सलाइवा होता है वो तीन सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से रिलीज होता है। द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक, एक पैरोटिड ग्लैंड होता है। द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक, ये दूसरा ग्लैंड होता है। तीसरा द सब लैंग्वल ग्लैंड। ये ऐसे तीन तरह के खतरनाक ग्लैंड्स होते हैं बच्चों जो कि सिक्रीट करते हैं सलाइवा। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। अगर आप बकल कैविटी देखोगे ना बेटा, जो हमारा माउथ होता है उसके अंदर ये तीनों ग्लैंड लोकेटेड होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, द बकल कैविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस इन टू द बकल। एक्चुअली यहां पे ना बच्चों अगर आप देखोगे ना, ये पॉइंट यहां पे इसने थोड़ा बहुत गलत लिखा है। अगर आप देखोगे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना वो लोकेटेड होते हैं हमारे माउथ के अंदर, ठीक, हमारे ओरल कैविटी के अंदर, हमारे बकल कैविटी के अंदर। वो सिक्रीट करते हैं, ठीक, वो सिक्रीट करते हैं सलाइवा। ठीक, जो सलाइवा होता है इसके अंदर एक सिंगल एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज, उस एंजाइम को क्या कहते हैं बेटा, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। ये याद रखना, इस सलाइवा के अंदर क्या एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज द सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। ये क्या काम करता है, ये डाइजेस्ट कराता है फूड को। अगर आप माउथ के अंदर देखोगे, अभी 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 जो सेकंड टॉपिक आने वाला है दैट इज द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक, माउथ के अंदर कितना डाइजेशन होता है, इसके बाद हम देखते हैं स्टामक के अंदर कितना डाइजेशन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स की इतनी फंक्शन एनसीईआरटी ने दी है। अब देखो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। तो जो लिवर होता है, आपसे पूछा जाता है कि आप बता दीजिए हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, दैट इज द लिवर।
ये याद रखना। इसका वेट कितना है 1.2 टू 1.5 केजी इन एडल्ट ह्यूमन। अगर एक एडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो लिवर है वो उसका जो वेट है दैट मींस 1.2 टू 1.5 केजी है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो लिवर होता है ये कहां पे पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि एब्डोमिनल कैविटीज जो होते हैं और थोरैक्स कैविटीज होते हैं इसके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं, तो वो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बोला है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया ना तो आप प्लीज वो टॉपिक एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, आपको वो समझ में आ जाएगा। जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज टू लोब्स। तो ये कहां होता है, डायफ्राम के नीचे वाले साइड से, ठीक है, जस्ट बिलो, ज्यादा डायफ्राम के नीचे पूरे साइड से नहीं होता है, बट छोट मतलब कि एक स्मॉल सी डिप्रेशन हो होती है वहां पे डायफ्राम के नीचे वाले साइड से। तो एंड हैज टू लोब्स, तो इसके पास दो लोब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊंगा आपको रख पे, ये देख लो, फॉर एग्जाम्पल ये होता है लिवर का एक ऐसा लोब, दूसरा इसका जो लोब होता है ना वो शॉर्ट लोब होता है, ठीक, ये होता है राइट लोब, ये होता है लेफ्ट लोब बच्चों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, दो लोब्स होते हैं, एक होता है राइट दूसरा होता है लेफ्ट, ये याद रखना, ये डायग्राम याद रखना कैसे लोब्स होते हैं। तो अब देखो, द हेपेटिक लोब्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। तो ये जो लोब्स होते हैं ना बच्चों इनको हम कहते हैं हेपेटिक लोब्स। क्या कहते हैं हम, हेपेटिक लोब्स। तो आपसे कोई पूछा जाएगा आप बता दीजिए लिवर की लोब्स का नाम क्या है, तो हेपेटिक लोब्स। दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ये याद रखना। जिस तरीके से न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन तो पढ़ा होगा ऑब्वियसली आपने, आप लोगों ने, जो न्यूरॉन होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसी तरीके से जो हेपेटिक लोब्स है दे आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स। अब इन लोब्स के अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, दैट आर कॉल्ड एज द हेपेटिक सेल्स। और जो ये हेपेटिक सेल्स होते हैं बच्चे, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जैसे होता है ना, तो वैसे ही इनकी शेप भी होती है। ईच लोब इज कवर्डेड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लेंसेंस कैप्सूल। बेटा याद रखना, मैं एक पॉइंट यहां पे ऐड करने वाला हूं, वो पॉइंट क्या है, जिस तरीके से हर एक बॉडी, हर एक ऑर्गन के ऊपर बेटा कवरिंग होती है, इसी तरीके से लिवर के ऊपर भी कवरिंग होता है, ठीक। अगर मैं लिवर की बात करूंगा बेटा, इसके अंदर जो कवरिंग होती है, यहां पे मैं लिखूंगा, प्लीज आप यहां पे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक, उस कवरिंग को क्या कहते हैं हम बेटा, उस कवरिंग को कहते हैं हम ग्लेंसेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं हम बेटा, ग्लेंसेंस कैप्सूल, ये याद रखना। दूसरा, अगर फॉर एग्जांपल स्टमक की बात करते हैं, ठीक, आपने अगर स्टमक पढ़ा होगा तो स्टमक के ऊपर मैंने आपको बोला स्टमक के ऊपर एक कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज द ओमेंटम। क्या कहते हैं बेटा, ओमेंटम। इसी तरीके से हार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट हार्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियम। बेटा याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डियम। किडनी के ऊपर जो होते हैं ना एक कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज द रेनल कैप्सूल भी, उसको कहते हैं हम रेनल कैप्सूल भी कहते हैं। इसके बाद एक और कवरिंग होती है, जिस तरीके से लंग्स की कवरिंग होती है, ठीक है बेटा, ये डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट कवरिंग्स होती हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है। जिस तरीके से लंग्स के ऊपर है दैट इज कॉल्ड एज द प्लूरा, जिसको हम प्लूलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने यहां पे बताए ना, प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ो अच्छे से, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बच्चे मैंने क्या बोला कि जो लिवर के ऊपर एक कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लेंसेंस कैप्सूल, जो कि मैंने यहां पे आपको हाईलाइट करा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट के अंदर आ चुका है बेटा, याद रखना ये नीट के अंदर आ चुका है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, वहां पे ऐसे ही आते हैं। इस कवरिंग को अपने पर्टिकुलर ऑर्गन्स के साथ मैच कीजिएगा, ठीक। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट एंड इट इज स्टोर्ड एंड कंसेंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक। अब क्या होता है, जो बाइल होता है, बाइल अब कौन सिक्रीट करता है, यही हेपेटिक सेल्स जो इन हेपेटिक लोब्स के अंदर पाए जाते हैं। हेपेटिक सेल्स किसके सेल्स हैं, लिवर के सेल्स। अब बच्चे याद रखना, जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो बाइल सिक्रीट करते हैं, और जो जब ये बाइल को सिक्रीट करते हैं तो फिर किस डक्ट के अंदर डालते हैं, हेपेटिक डक्ट के अंदर डालते हैं। फिर जब ये हेपेटिक डक्ट से निकल कर चला जाता है एक मस्क्यूलर सैक लाइक ऑर्गन के अंदर दैट इज कॉल्ड एज द गॉल ब्लैडर, ठीक है बेटे।
तो दैट मीन्स लिवर के अंदर दो लोब्स होते हैं, लोब्स के अंदर सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज हेपेटिक सेल्स। वो जो हेपेटिक सेल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं बाइल, बाइल निकलता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। ऐसा सर्किट याद रखना आप लोग, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। बच्चे अब याद रखना गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट। बेटा याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट के लिए अभी हाईलाइट करो, अभी हाईलाइट करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट अलोंग विथ, देखो बच्चों, along with the hepatic duct, ठीक, अगर आप यहां पर नजर रखोगे along with the hepatic duct, ठीक, along with the hepatic duct, ठीक। तो that means जो cystic duct था, cystic duct किसका था बच्चे, that was the duct of the gallbladder, hepatic duct किसका था, liver का duct। तो that means ये जब आपस में मिल जाते हैं ये बनाते हैं common bile duct। बच्चे बहुत ही transparent तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मैंने क्या बोला, liver है, यहां पे नजर रखना ये liver है, liver का एक duct होता है that is called as the hepatic duct, गॉल ब्लैडर का एक डक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टिक डक्ट। जब ये आपस में मिल जाते हैं ये बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। बच्चे याद रखना ये बनाता है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक, द कॉमन बाइल, द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये क्या काम करेगा, ये जो बाइल डक्ट है ये किस डक्ट के साथ मिल जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट, दैट मीन्स पेनक्रियाज। अगर आप देखोगे ना ये डायग्राम, ठीक, यहां पे मिल जाएगा ये किसके साथ, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, ठीक, अब ये किसके साथ मिल जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, ठीक। जब ये पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाएगा तो ओपन हो जाएगा, अगर आप यहां पे देखोगे ना बच्चे यहां पे, तो दिस इज कॉल्ड द ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा याद रखना डक्ट ओपनस टुगेदर इनटू द ड्यूडेनियम एज द कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब यहां पे याद रखना कौन सा ऐसा डक्ट होता है जो कि ड्यूडेनियम के अंदर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। बच्चे अगर आपको फिर भी क्या डाउट हो जाएगा ना इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कौन सा डक्ट होता है जो कि ड्यूडेनियम के अंदर ओपन होता है, विच इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर। जब ये डक्ट ओपन होने वाला होता है ना, इसके इर्द गिर्द एक स्फिंक्टर होता है, दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज द स्फिंक्टर ऑफ ऑडे, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्फिंक्टर ऑफ ऑडे। ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये जो पैराग्राफ है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब भी हाईलाइट करो इस सारे पॉइंट्स को, ये डक्ट सिस्टम को ही हाईलाइट करो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। इसके बाद क्या है, द पेनक्रियाज इज द कंपाउंड ग्लैंड। तो दैट मीन्स कंपाउंड ग्लैंड का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर आप देखोगे ये बहुत प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इट इज, इट शोस एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी एज वेल एज एंडोक्राइन प्रॉपर्टी। तो दैट मीन्स ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड वाली कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ अ सी शेप्ड ड्यूडेनियम, ठीक है बेटा ये याद रखना। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स एन अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस। बच्चे बहुत बार नीट के अंदर पूछा गया है, बहुत बार नीट के अंदर पूछा गया है, हाईलाइट करके जाओ। जो एक्सोक्राइन पोर्शन इसका होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये सिक्रीट करता है एक एक फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर सिक्रीट करता है, एक जूस सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, कंटेनिंग एंजाइम्स, ठीक है बेटा, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। एंड द एंडोक्राइन पोर्शन, अब जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है ना बच्चे, वो क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है। तो दैट मीन्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं लाइक इंसुलिन है, ग्लाइकोजन है, तो ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये दैट आर सिक्रीटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज। तो बेटा अगर आप डायग्राम भी देखोगे ना, दिस इज द डायग्राम, तो बच्चे दिस इज द डायग्राम, ये आपको नजर रखनी है यहां पे, ठीक, दिस इज द गॉल ब्लैडर,
दिस इज द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, यहाँ पे दिस इज द कॉमन बायल डक्ट, दिस इज द हेपेटो कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ से डक्ट लिवर का आ जाता है, मिल जाता है यहाँ पे, तो फिर ये ओपन होते हैं सारे किसके, ड्यूडेनियम के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज का टॉपिक था ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कल हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड होता है ना वो कैसे डाइजेस्ट होता है। सो प्लीज सपोर्ट करो, ताकि आपके लिए ही मैं कोशिश कर रहा हूं आपका जो एग्जाम है ना बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।